ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਸੰਜਾ ਡੋਗਰੀ ਖਬਰਾਂ ਚ ਸਭਨੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ। ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰੇ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਗੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਆਲੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਗੀ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਉਧਮਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਬਣੀ ਥਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਗੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ PDP ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਅਨੰਤਨਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਰਾਜੇ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਦੇ ਇਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੇ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਖਜੂਰੀਆ। आंदे लोकसभा चुनाएं गी दिखदे होई प्रचार अभियान पूरे जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ। मतदाताएं गी अपने हक च करने लेई केईं सियासी पार्टियें दे स्टार प्रचारक रैलियें गी संबोधित करा'रदे न। पच्छम बंगाल दे सिलीगुड़ी ते कोलकाता च अज्ज दपैह्री मगरा रैलियें गी संबोधित करदे होई BJP दे सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पच्छम बंगाल दिएं मुक्खमंत्री ममता बैनर्जी हुंदे पर निशाना साधेआ ते कांग्रेस दे घोषणा पत्र च सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष इख्तियार आले अधिनियम एफसपा गी किश धारणाएं पर गौर करने पर नुक्ताचीनी कीती। उनें आखेआ जे एह कानून आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च सुरक्षा बलें लेई हिफाजत दा कम्म करदा ऐ। जेल्लै जे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होरें मुल्खै दे 20% गरीब परिवारें गी हर बरे 72,000 रपे देने दे पार्टी दे वायदे गी फी दोहराया। असम दे कालीबोर हल्के च इक रैली गी संबोधित करदे होई गांधी होरें आखेआ जेकर उंदी पार्टी सत्ता चाहुंदी ऐ तां 5 बरे दौरान हर इक गरीब परिवार गी बैंक खातें राए 3,60,000 रपे हासिल होंगन। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह होरें अज्ज उधमपुर ते राजौरी दी सुंदरबनी थाहर चुनावी रैलियें गी संबोधित कीता। BJP मेदवार दे समर्थन च वोट पाने लेई लोआई गेदी इनें रैलियें गी संबोधित करदे होई शाह होरें आखेआ जे भारतीय जनता पार्टी कुसै गी भी जम्मू कश्मीर गी भारत थमां बक्ख करने दी इजाजत नेईं देग। उनें गलाया जे सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष इख्तियार आले अधिनियम गी कोई भी कमजोर नेईं करी सकदा ते BJP एह्दे समर्थन च चट्टान आले लेखा खड़ोती दी ऐ। शाह होरें गलाया जे जेकर इक भी गोली पाकिस्तान थमां आउंदी ऐ तां साढ़े बल ओह्दा बनकदा परता देंगन। राजौरी दे सुंदरबनी इलाके च रैली गी संबोधित करदे होई शाह होरें बन्ने पर रौह्ने आले लोकें दी बहादुरी दी सराहना कीती। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो देश में सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर देश की सीमाओं के साथ चिपक कर आप लोग रहे हो। आप भारत माता की सेवा करने वाले सच्चे सपूत। पाकिस्तान की गोलियां, पाकिस्तान के मोर्टार, पाकिस्तान के गोले, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गवाई होगी, मगर भारत माता की ये धरती को आपने सुना नहीं किया। आपने भारत माता के दामन को जिद के साथ पकड़ कर रखा है। मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन देता। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ते उधमपुर लोकसभा के थमां मेदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें कठुआ दे हटली इलाके च जनसभा की संबोधित किया। अपने संबोधन दौरान उन्हें PDP नेशनल कांफ्रेंस ते कांग्रेस पार्टी की पाकिस्तान ते अलगाववादियों के एजेंडे की कथित तौर पर समर्थन देने लिए नुक्ताचीनी की। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੇ। कांग्रेस नेता ते साबका मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद होरें BJP उपर कथित तौर पर दोष लाया जे ओ रियासत जम्मू कश्मीर दे हालात गी खराब करार दी है। आजाद होरें गलाया जे UPA दी सरकार दौरान हालात च किश सुधार होआ हा ते किश जिलें थमां एफसपा गी हटाया जाई सकदा हा। कुपवाड़ा जिले दे लोलाब इलाके च इक रैली गी संबोधित करदे होई आजाद होरें BJP दी कश्मीर दे मौजूदा हालात गी लेइयै नुक्ताचीनी कीती। भारतीय जनता पार्टी दियां वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण होरें कांग्रेस उप्पर दोष लाया जे ओ अलगाववादियें ते राष्ट्र विरोधी तत्वें दा समर्थन करा'रदी ऐ। श्रीमती सीतारमण होरें आखेआ जे कांग्रेस सशस्त्र बलें दा मनोबल गी घट्ट करा'रदी ऐ। नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई उनें कांग्रेस दे घोषणा पत्र च सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष इख्तियार आले अधिनियम उप्पर परतियै विचार करने आली गल्ला दी आलोचना कीती। कांग्रेस पार्टी के अप्रोच डजंट इनवोक कॉन्फिडेंस। ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूँ कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किस एनवायरमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है? इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकेंड करने का काम ही कर रहे हैं।
साबका मुक्खमंत्री ते पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती होरें अज्ज अनंतनाग लोकसभा हल्के लेई अपना नामांकन पत्र भरेआ। अनंतनाग लोकसभा सीट उप्पर त्रीये गेड़ च त्रऊं मरहलें च चुनां होग। अति संवेदनशील इस हल्के उप्पर अप्रैल दी 3 ते 29 तरीक ते 6 मई गी चुनां होग। पहली बार अनंतनाग से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े हैं हमने इलेक्शन। इंशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बाशूर हैं, इलेक्शन को समझते हैं और इंशाल्लाह पहले की तरह इस बार भी इलेक्शन बहुत अच्छे होंगे। कांग्रेस दी चुनाव सरबंधी कमेटी ने पंजाब ते चंडीगढ़ आली लोकसभा सीट लई 6 उम्मीदवारें दी घोषणा कर दित्ती है। मौजूदा 4 सांसदें सुनील झाकर, संतोष सिंह चौधरी, रणबीर भिट्टू ते गुरजीत अजूला गी परतियै उम्मीदवार घोषित कीता गया। साबका केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल होरें गी चंडीगढ़ सीट लई परतियै नामजद कीता गया। बीजेपी दे उम्मीदवार किरण खैर होरें 2014 आले लोकसभा चुनाव दौरान बंसल होरें गी हराया हा। एह् खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू पर सुना दे ओ। तुं बाकी दी खबरें कन्नै विकास शर्मा। रियासता दे मुक्ख चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार होरें राज्य च लोकसभा चुनाएं दे सुचारू संचालन आस्ते मतदान केंद्रें दी तैयारियें ते सुविधाएं दी जानकारी बारे चर्चा कीती। मुक्ख चुनाव अधिकारी होरें कश्मीर, जम्मू ते लद्दाख दे डिवीजनल कमिशनरें कन्नै गल्लबात कीती ते हर इक मतदान केंद्र उप्पर कीते गेदे इंतजामें दा जायजा लैता, खास करी जित्थे पैहले ते दुए गेड़ च चुनाव होना ऐ। डिवीजन कमिशनरें कीते गेदे इंतजामें बारे व्यापक जानकारी दित्ती ते कुमार होरें गी अवगत कराया जे मतदान केंद्रें उप्पर लोड़चदियां सब्बै जरूरी सुविधां मुहैया करवाईयां गेदियां न। मुक्ख चुनां अधिकारी ते जिला चुनां अफसरें कश आदर्श आचार संहिता लागू होने दे बाद इस संहिता दी खिलाफवर्जी सरबंधी शिकायतां आईयां न, जिंदे चा किश इस मकसद लई शुरू कीती गेदी आनलाइन ऐप सी विजल राएं हासल होईयां न। इस बारे आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई शैलेंद्र कुमार होरें दस्सिया, सी विजिल में अब तक कोई 120 कंप्लेंट आए हैं जिसमें से 80 की वेरिफिकेशन हो चुकी है। अभी चूंकि सी विजिल का पहला साल है तो रफली 25-30% जो है वो जेन्युइन किस्म की कंप्लेंट नहीं है, बट हम लोग खुश हैं कि इसको सिटीजन्स शुरू कर लिया है यूज करना और बाकी सारे जितने भी एमसीसी रिलेटेड टीम्स हैं बड़े चौकस हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, कैश भी जब्त हुआ है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा और 18 अप्रैल गी होने आले लोकसभा चुनाएं लई कीते गेदे इंतजामें दा अज्ज जायजा लैता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर नाशरी ते जवाहर सुरंग कश यातायात लई कीते गेदे इंतजामें दा जायजा लैने दे कन्नो कन्नी उन्हें दलवास ते चंद्रकोट च मतदान लई गड्डियें दे खडेरने आली तैह थाह्र ते मतदान अमले लई कीते गेदे इंतजामें दा मौके उप्पर जाइयै जायजा लैता। वर्मा होरें चंद्रकोट च सीनियर अफसरें कन्नै इक बैठक भी लाई। श्रीनगर दे नेतीपोरा इलाके दे बसनीक ते लश्करे तैयबा दे आतंकवादी दानिश हनीफ गी पुलसे श्रीनगर दे राजबाग इलाके च स्थित इक निजी अस्पताल थमां गिरफ्तार कीता है। सुरक्षा सूत्रें दस्सेया है जे ओ श्रीनगर च कांग्रेस दे विधायक दे घर थमां हथियार खुसने आली घटना च मुक्ख करी शामल हा। पुलस सूत्रें दस्सेया है जे दानिश जनवरी थमां सक्रिय हा ते दक्खनी कश्मीर दे पुलवामा जिले च होए दे इक टाकरे च जख्मी होआ हा ते टाकरे आली थारां थमां नस्सी गया हा, इसलिए ओ अपने जख्मे दा अस्पताले च इलाज करवा करदा हा। बन्ने पारा कीती गेदी गोलीबारी दे पीड़ित परिवार गी फौरी मदद देने आस्ते पुंछ दे जिला विकास कमिश्नर राहुल यादव होरें अपर बंदी चेचिया दा दौरा कीता। इस मौके पर जिला विकास कमिश्नर उंदे कन्नै एसएसपी रमेश कुमार अंगराल होर भी मौजूद हे। जिला विकास कमिश्नर होरें बन्ने पारा गोलीबारी च मारी गेदी सोबिया शफीक दे परिवार गी 1,00,000 रपे दी सिंधी सहायता प्रदान कीती। दिली बसोस जाहिर करदे होई जिला विकास कमिश्नर होरें घोषणा कीती जे औपचारिकता पूरी होने दे मगरा पीड़ित परिवार गी 5,00,000 रपेआ दित्ता जाग। कठुआ जिले दी बिलावर तहसील दे कोग ग्रां च अज बड़ले इक मैटाडोर जेदा नंबर JK08C4428 है दे रुलकिए खड्डे च जाई पौने करी इक जने दी मौत होई गई, जेल्ले के 3 होर दुए लोग भी बुरी चाली जख्मी होए न। सब्बे घायलें गी बिलावर दे जिला अस्पताल च उपचार लई दाखल करवाया गया, जिंदे चा गंभीर तौरा पर 9 जख्मियें गी जम्मू दे मैडिकल कालेज अस्पताल च रैफर कीता गया है। गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें शब्बे मिराज दे मौके पर लोकें गी मुबारकबाद दिंदे होई इस महत्वपूर्ण ध्याड़े गी अल्लाह दी मेहर हासल करने ते माफी देने आला दस्सेया है। गनेई जेड़े जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दे चेयरमैन भी हैन, अपने स्नेह च मेद बुझी जे रियासता दे लोक आपसी भाईचारे दी रिवायत गी बनाई रखंगन ते प्रार्थना कीती जे एह मौका रियासता च शांति ते समृद्धि लई आओग।
खीरे च खास खास खबरां इक बारी परतियै चुनाएं दे नेड़े औंदे गै सियासी पार्टियें मुल्ख भरै च प्रचार अभियान होर तेज करी दित्ता ऐ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सशस्त्र बलें गी दित्ते गेदे विशेष इख्तियार आले अधिनियम गी लेइयै कांग्रेस दे घोषणा पत्र दी नुक्ताचीनी कीती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह होरें अज्ज उधमपुर ते राजौरी दी सुंदरबनी थाह्र चुनावी रैली गी संबोधित कीता। साबका मुक्खमंत्री ते पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती होरें अज्ज अनंतनाग लोकसभा हलके लेई अपना नामांकन पत्र भरेआ ते पुलस ने लश्करे तैयबा दे इक आतंकवादी गी श्रीनगर थमां गिरफ्तार कीता ऐ। एह्दे कन्नै गै खबरें दे बुलेटिन समाप्त होआ ते हुन सुनो इक समीक्षा।